हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर लोकेट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरा क्षेत्र जो है टर्की से लेके ये पूरा मिडिल ईस्ट में आता है। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा इन देशों को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ये सीरिया है, यहाँ जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान है, और इधर टर्की है। तो इनको थोड़ा सा लोकेशन देखना ज़रूरी है। और इधर इराक है, तो इनकी पास से लोकेशन देख लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा पिछले साल जो क्वेश्चन आया था कैसे आया था, उसको भी बताऊंगा। देखिए, ये पहला देश जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इजराइल है। इजराइल की राजधानी आपको पता है जेरूसलम, जो हमेशा विवादित रहती है, हमेशा विवादित रहती है। ये यहाँ पर जो है ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म तीनों ही एक तरह से आपस में विवाद का कारण है, क्योंकि तीनों ही जो धर्म हैं उनके जन्म स्थान एक तरह से यहीं से माने जाते हैं, इस वजह से विवादित रहती है। तो ये ध्यान में रखना आपको। देखिए, ये भूमध्य सागर से लगा हुआ है, ये ध्यान में रखना है आपका। इजिप्ट इधर से लगा हुआ है, दक्षिण भारत से, और इधर की साइड आपका, इधर आपका जॉर्डन है, इधर की साइड ये ऊपर, ये सीरिया से लगा हुआ है इजराइल, और ऊपर यहाँ देखिए ये लेबनान है। इनको दिखाऊंगा मैं एक एक करके। और ये देखिए, ये डेड सी जो पड़ता है वो यहीं पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए जॉर्डन है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े थोड़ा सा करके दिखाया है मैंने आपको, जॉर्डन है पूरा। और ये अभी देखा था हमने, इजराइल था ये, और डेड सी ये रहा जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। तो जो डेड सी है वो आपका इजराइल और जॉर्डन के मध्य में पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। और जॉर्डन जो है, जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, आप देख लीजिए क्लियर। तो यही क्वेश्चन आया था IAS में कि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, या फिर किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, ऐसे करके आया था। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लियर थोड़ा सा पता हो, और डेड सी को भी देख लीजिए आप, डेड सी जो है इन दोनों के मध्य में है। और जॉर्डन की राजधानी देख रहे हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा, अम्मान है इसकी राजधानी, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। ये देखिए, ये आपका सीरिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर आपका लेबनान है, इधर इजराइल है, नीचे जॉर्डन है ये वाला पूरा। तो इसकी सीमाएं आप देख लीजिए, इराक से मिलती हुई है, टर्की से मिलती है इधर, और इधर लेबनान से, इजराइल से, और आपकी जॉर्डन से। और इसकी राजधानी है दमिश्क, और आपको पता होगा ISIS जो है यहीं पर तबाही मचा रहा है एक तरह से सीरिया में ही, तो इसकी वजह से अशांत क्षेत्र है। ये आपका लेबनान है, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा, इसकी सीमा जो है इजराइल से मिलती है, सीरिया से मिलती है, और तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और इसकी जो सीमा है मेडिटेरियन सी से, यानी भूमध्य सागर से मिलती है। तो भूमध्य सागर से कौन कौन देशों की मिलती है, एक इजराइल की मिलती है और एक लेबनान की मिलती है, और इधर आपकी सीरिया से मिलती है। यहाँ पर देखिए सीरिया की मिल रही है, तो बाई चांस क्वेश्चन आ गया, तो ये इसमें इस वजह से मैंने दिखा दिया है, सीरिया, लेबनान और इजराइल की सीमाएं मिलती हैं भूमध्य सागर से। लेबनान की जो राजधानी है वो है आपकी बेरूत, ध्यान में रखना है। देखिए एक ये महत्वपूर्ण है त्रिपोली, त्रिपोली जो शहर है एक तरह से पोर्ट मान लीजिए इसे, ये भी लेबनान में है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में। और ये पूरी लोकेशन करने के लिए यहाँ पर, ये टर्की है पूरा, मेडिटेरियन सी है ये, और देखिए लेबनान यहाँ है, अभी मैंने बड़ा दिखाया था, लेबनान यहाँ है, और ये लेबनान जो है टर्की से नहीं मिलती है इसकी सीमा, ये ध्यान में रखना है। और ये सीरिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और सीरिया की जो है टर्की से मिलती है। तो ये पूरा आपको दिमाग में एक तरह से विजन बना लीजिए थोड़ा मध्य एशिया के बारे में, क्योंकि अक्सर यहाँ से कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ पड़ोसी देश पूछ सकते हैं या समुद्र से सटे हुए देश पूछ सकते हैं। और वैसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ज्वलंत मुद्दे यहीं से उठते रहते हैं। और अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो इस ये एक तरह से बारूद का काम कर रहा है, ये मान के चलिए यहाँ से।
और ये आपका बड़े में थोड़ा सा इराक है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इराक है। इसकी राजधानी जो है बगदाद है। और इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये जो टर्की है टर्की से मिलती है, इधर सीरिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, सीरिया ये रहा, पूरा सीरिया से मिलती है। इधर देखिए जॉर्डन से भी मिलती है इसकी सीमा, यहाँ से देखिए ये रही, और ये सऊदी अरब से मिलती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुवैत से मिलती है और आपकी ईरान से मिलती है। ऊपर आपकी जो है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ऊपर जो है टर्की मैंने बताई दिया, ये टर्की से मिलती है यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको लोकेशन अच्छे से दिमाग में छप गई होंगी मुझे लगता है, वैसे बार बार देख लीजिएगा क्योंकि आपके दिमाग में छवि बननी चाहिए, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है थोड़ा मिडिल ईस्ट के बारे में। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना ना भूलें, और शेयर भी कर सकते हैं चाहें तो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे खाड़ी सहयोग परिषद और उनमें जो देश हैं उनको मैप पर देखेंगे कौन कौन से देश हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और शायद पिछले साल आया भी था जहाँ तक है। खाड़ी सहयोग परिषद, तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें कौन कौन से देश हैं। देखिए सबसे पहला नंबर है आपका सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब तो ये दिखाई दे रहा है आपको पूरा, ये है ये। दूसरा है आपका कुवैत, तीसरा है आपका देखिए ये छोटा सा दिखाई दे रहा है बहरीन, चौथा है आपका कतर, ये कतर है, पांचवा है आपका यूएई, ये पूरा यूएई है, और छठवां है आपका ओमान, ये पूरा ओमान है ये पूरा। अब मैं इनको आपको लोकेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ, सऊदी अरब की तो दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी फारस की खाड़ी है यहाँ पर, और इधर की साइड रेड सी है, तो ये दोनों लोकेशन देख लें आप। और नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए ये कुवैत है, अभी मैंने दिखाया था वहाँ कुवैत है ये, तो ये समुद्र से लगा हुआ है, ये ध्यान में रखना है ये पूरा। और कुवैत से ऊपर आपका ईरान है, यहाँ इराक है सॉरी यहाँ, और इसकी जो कुवैत की सीमा ये ध्यान में रखना है, ईरान से नहीं लगती है, देखिए यहाँ ईरान यहाँ तक है और कुवैत यहाँ यहाँ से है, तो ये कुवैत है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका बहरीन है पूरा, और बहरीन खाड़ी सहयोग परिषद देशों में सबसे महत्वपूर्ण बात बहरीन की ये है कि ये पूर्ण रूप से एक तरह से द्वीपीय देश है, केवल यही ऐसा देश है जो द्वीप है, बाकी के आप समुद्र से लगे हुए हैं और महाद्वीप से जुड़े हुए हैं, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। देखिए ये पूरा ओमान है, ये यहाँ से यहाँ तक ओमान, तो ये भी खाड़ी सहयोग परिषद का जो है देश है, तो 6 देश हैं इसके अंतर्गत, मैंने पहले बता दिया था। और गल्फ ऑफ ओमान है ये, यहाँ पर अरब सी है, और ये जो द्वीप है आपका इसी का भाग है, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि ओमान किस गल्फ ऑफ ओमान से मिलता है, तो ओमान से तो मिलेगा ही मिलेगा, नाम है उसका ओमान, और आपका सऊदी अरेबियन सी से मिलता है, तो ये लोकेशन आप थोड़ा सा देख लें। और ओमान देखिए, ओमान ये बीच में जो है यूएई पड़ जाता है इसके, लेकिन इससे ऊपर भी जो है ये छोटा सा जो पॉइंट है ऊपर, ये आपका ओमान ही है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना ओमान, ये वाला हिस्सा इसका, और ये पूरा हिस्सा, ये पूरा ओमान है, तो ओमान एक तरह से 2 देश एक तरह से मान के चलिए, एक छोटा सा टुकड़ा उसका ऊपर लगा हुआ है उत्तर के भाग में, और बीच में यूएई पड़ जाता है, तो इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका यूएई है, अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ के जो युवराज थे वो एक तरह से आए थे, तो इस वजह से ध्यान में रखना है। और ये अबू धाबी है, अबू धाबी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी लगा हुआ है समुद्र से लगा हुआ है, ये ध्यान में रखना है। और ये आपका कतर है, देखिए कतर भी आपका लगा हुआ है जमीन से, तो ये द्वीपीय देश नहीं है, ये ध्यान में रखना है, केवल द्वीपीय देश बहरीन है ये वाला, अभी मैंने बड़ा दिखाया दिया था अभी पीछे में ना, ये ध्यान में रखना है। इसकी राजधानी दोहा है, तो
एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो खाड़ी सहयोग परिषद है उसमें ना तो आपका ईरान है, ना तो ईरान है और ना ही इराक है। और कौन कौन से देश हैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सऊदी अरब, आपका कतर, बहरीन द्वीपीय देश है, और आपका कतर है ये, और ये कुवैत है, सॉरी कुवैत है ये, और ये कतर है, ये यूएई है, और आपका ओमान है। तो ये 6 देश हैं खाड़ी सहयोग परिषद में, और इनका उद्देश्य क्या है? साझा उद्देश्यों के लिए, चाहे उद्देश्यों के लिए एक तरह से है ये, चाहे वो व्यापारिक रूप से हो और आंतरिक रूप से, जो भी इनके अंदर जो भी तेल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ये बनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना था, इस वजह से मैंने बना दिया ये वीडियो। और ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, जो भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, करंट में जो उठते रहते हैं मुद्दे वहाँ से। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो आते रहते हैं, और लाइक करना ना भूलें। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, स्क्रीन पर आ चुके हैं पुराने वीडियो, देख सकते हैं उन्हें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व के जो महत्वपूर्ण मैदान हैं उनके बारे में, क्योंकि अक्सर एक तरह से लोकेशन जो है लोकेट करने के लिए आ जाती है IAS के एग्जाम में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे। और ये PCS के लिए फैक्चुअल रूप में थोड़ा सा देखना आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला मैदान है आपका क्वांटो मैदान, तो ये आपका जापान के जो है होन्सू द्वीप पर है, द्वीप के पूर्वी भाग में। तो होन्सू द्वीप आपको पता होगा, ये रहा उसके पूर्वी भाग में जो है मैदान है। यहाँ पर ये जमीन है, ये तो जल है, ये जमीन पर जो मैदान है उसे क्वांटो मैदान कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा लोकेशन ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए, मंचूरिया का मैदान आपने सुना होगा, मंचूरिया का मैदान, तो वो कहाँ है? देखिए, चाइना का जो उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पर मंचूरिया का मैदान है। तो ये इम्पोर्टेंट है, लोकेट अपने दिमाग में कर लें इसे। एक हुआंगो नदी जो बहती है यहाँ पर है, तो वांगो मैदान है ये यहाँ पर। तो ये किस वजह से फेमस है? क्योंकि यहाँ पे चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इस वजह से ये फेमस है। वांगो मैदान, वांगो नदी बहती है यहाँ से, इस वजह से इसका नाम जो पड़ा है वांगो मैदान। देखिए, चीन में ही यांग सिटिस क्यांग नाम है, यांग टीसी क्यांग, वो एक नदी है और उससे जुड़ा हुआ जो मैदान है वो भी चावल उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये दो तीन मैदान आपके चाइना में हो गए। देखिए, इसी के नीचे जो है म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार, तो म्यांमार में एक मैदान है इरावदी का मैदान, जो कि इरावदी नदी बहती है यहाँ से, तो उस नदी के आसपास का जो मैदान है उसे कहते हैं इरावदी का मैदान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी चावल, म्यांमार में जो चावल प्रसिद्ध है, यहाँ पर चावल काफ़ी होते हैं यहाँ पर। और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तो आपको पता ही है, ये एक तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाता है ये वाला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैदान है एक तरह से। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो आपका बांग्लादेश और भारत और चीन के मध्य में है, तो आपको ये सही जवाब देना है। आपको ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश हटा के सोचें आपकी बांग्लादेश में नहीं है, ये तीनों ही राज्यों में है, सॉरी देशों में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक मैदान है यहाँ पर, देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो इसका नाम है मरले डार्लिंग मैदान। तो ये जो है गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गेहूं यहाँ पर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोकेट कर लें कि मरले डार्लिंग का जो मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। तो कभी भी एक तरह से अगर ये चर्चा में बना तो ये बिल्कुल पूछ लेते हैं ऐसे। देखिए, डाउन्स का जो मैदान है वो आपको पता होगा, डाउन्स ये तो ऑस्ट्रेलिया में ही है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है एक तरह से शीतोष्ण जो कटबंधी घास का मैदान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भेड़ पालन के लिए थोड़ा लाभकारी है, भेड़ पालन होती है यहाँ पर, क्योंकि घास उगती है, घास को जो है भेड़ खाती हैं, जिससे उनका पालन पोषण अच्छा होता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण मैदान है जो कि अक्सर आ जाता है एग्जाम पेपर में, ये है आपका लोम्बार्डी का मैदान। लोम्बार्डी का मैदान तो है कहाँ? ये जो इटली है ये दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो इटली है ये पूरा इटली है, लेकिन जो है इटली का जो उत्तरी भाग है, एक तरह से उत्तरी भाग, देखिए मैं लगा रहा हूँ पेन से या निशान, तो इस उत्तरी भाग को भाग में ही ये लोम्बार्डी का मैदान है। और ये यूरोप का जो है सबसे सर्वाधिक चावल उत्पादन क्षेत्र है एक तरह से, ये मैदान सबसे ज़्यादा चावल यहीं होते हैं यूरोप में, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
और इसी से ऊपर जो है हंगरी का मैदान है, जो कि कार्पेथियन व डिनारिक आल्पस पर्वत के मध्य में है। तो आल्पस पर्वत आपको पता होगा यहाँ पर है आल्पस पर्वत, और यहाँ पर इससे उत्तर और दक्षिण के मध्य में जो एक तरह से मैदान है वो कार्पेथियस और डिनारिक के मध्य जो है स्थित है, उसका नाम है हंगरी का मैदान। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैंने 7-8 जो मैदान बताए हैं, यही यहीं से एक तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। तो आपको इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में लोकेट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप देख सकते हैं एक बार में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे वो विजन आईएएस के हों या ज्योग्राफी से रिलेटेड हों, बहुत अच्छे वीडियो बने हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद। तो पहले हम जान लेते हैं ज्वालामुखी जो है कहाँ पर एक तरह से आते हैं ज़्यादातर। देखिए सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो आते हैं वो इस पेटी में आते हैं, देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये प्रशांत महासागरीय पेटी है ये, तो इसमें सब सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं, यानी इन किनारों पर और इन किनारों पर। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर लगभग ये मान के चलिए 65% के आसपास ज्वालामुखी आते हैं। और दूसरी जो लाइन है एक तरह से ज्वालामुखी की, वो देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये पूरी ये दूसरी वाली लाइन है ये, और यहीं पर जो है भूकंपी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको थोड़ा सा। और अब मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक जो जहाँ पर जो है ज्वालामुखी पर्वत हैं। देखिए यहाँ पर ईरान है, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर ईरान में जो है कोह सुल्तान है, यहाँ पर ध्यान में रखना है कोह सुल्तान ईरान में। देखिए भूमध्य सागर में एक सिसली द्वीप है, तो वहाँ पर जो है एक स्ट्रामबोली नाम से एक ज्वालामुखी है, जो कि एक तरह से इसे क्या बोला जाता है, भूकंप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे बोला जाता है, सिसली द्वीप पर जो स्ट्रामबोली है उसे। तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। और इटली देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इटली का जो है एटना है, ये भी महत्वपूर्ण है, इटली का एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी है एटना। और एक मध्य इटली में ही एक विसुवियस नाम से भी एक ज्वालामुखी है, जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो ये दो ज्वालामुखी इटली में हो गए। एक सबसे महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी है वो है आपका इक्वाडोर में, देखिए इक्वाडोर यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में यहाँ, और इसका नाम है आपका कोटापैक्सी। ये है विश्व का ये सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी। और देखिए जापान में है, जापान ये रहा, जापान में एक फ्यूजियामा है, उसका नाम फ्यूजियामा जापान का, ये क्या है निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है ये। और देखिए जावा, जावा यहाँ पर है जावा, और देखिए जावा ये रहा, सुमात्रा ये रहा, तो इसके मध्य में जो ज्वालामुखी है यहाँ पर उसका नाम है क्राकातोआ, ये भी एक सुसुप्त ज्वालामुखी है क्राकातोआ। तो ये ध्यान में रखना है। और इक्वाडोर में ही देखिए, इक्वाडोर चलते हैं, देखिए ये रहा इक्वाडोर, यहीं जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी था कोटापैक्सी, वहीं पर चिम्बारोज ज्वालामुखी है, यहीं पर चिम्बारोज ज्वालामुखी। तो ये ध्यान में रखना है चिम्बारोज ज्वालामुखी कहाँ है, ये शांत ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में ही है। देखिए म्यांमार यहाँ है, देखिए म्यांमार में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट पोपा, तो ये शांत ज्वालामुखी है म्यांमार में। देखिए दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर ये चिली है, चिली के ऊपर में जो है एकांका गुआ एक ज्वालामुखी है, एकांका गुआ जो कि एंडीज पर्वत की एक तरह से सर्वोच्च चोटी भी है, और पर्वत भी है और ये शांत ज्वालामुखी भी है, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए आपको यहाँ पर आइसलैंड दिखाई दे रहा है, ये रहा देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आइसलैंड, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है आइसलैंड में, माउंट हेलका व लाकी, दो ज्वालामुखी है यहाँ पर, माउंट हेलका व लाकी, तो ये ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर तंजानिया है, तंजानिया यहाँ पर, तो तंजानिया में ही कौन सा ज्वालामुखी है, किलिमंजारो, जो कि एक तरह से अफ्रीका की सबसे उच्च श्रेणी भी है, उच्च पर्वत श्रेणी भी है, और ये
और ये जो है सुप्त ज्वालामुखी है, यानी यहाँ पर अब उद्गार नहीं होता है। और इसके बारे में एक फैक्ट और फेमस है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्वतंत्र खड़ा पर्वत है ये, यानी स्वतंत्र खड़ा पर्वत, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान दिमाग में रखना है। देखिए प्रशांत महासागर में यहाँ पर हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप, तो हवाई द्वीप में जो एक महत्वपूर्ण जो मोनोलोआ ज्वालामुखी है वो आपका यहाँ पर स्थित है। ये हवाई द्वीप है, कई सारे द्वीप हैं यहाँ पर अमेरिका के, इधर की साइड भी हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसी में से एक पर मोनोलोआ ज्वालामुखी है। यूएसए के अंडर में आता है ये हवाई द्वीप, आपको पता होगा। देखिए यूरोप में, देखिए यहाँ पर यूरोप में एक तरह से अलबुर्ज पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी अलबुर्ज, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है देव बंद, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये शांत ज्वालामुखी है यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जो मैंने आपको बता दिए, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, फैक्चुअल आ जाए, चाहे आपसे एक तरह से लोकेट करने के लिए पूछ ले, चाहे मैचिंग करने के लिए आ जाए, तो आप जहाँ तक है इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। और जिन्होंने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं ज्योग्राफी पर, उनकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे वीडियो, देख लें उन्हें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो आ चुके हैं, वो भी देख सकते हैं, तो देखते रहें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे जल धाराएँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट के रूप में हो या फैक्ट के रूप में हो, तो दोनों ही चीज़ों को हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो जल धाराएं हैं उनके बारे में। तो जो रेड रेड दिखाई दे रही हैं आपको, ये जल धाराएं हैं गर्म, और जो ब्लैक दिखाई दे रही हैं ये प्राकृतिक हैं, एक तरह से प्राकृतिक मतलब नेचुरल रहती हैं हमेशा, और वाइट वाली आपको ठंडी जलधाराएं हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये विषुवत रेखीय जलधारा है, ये तो गर्म जलधारा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है कैरेबियन जलधारा बोलते हैं इसे, कैरेबियन जलधारा। पहले आपको मोटा मोटा बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हुई उत्तरी उत्तरी विषुवतीय जलधारा, रेखीय जलधारा, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो स्पेसिफिक है वो यहाँ स्पेसिफिक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कैरेबियन जलधारा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है फ्लोरिडा की जलधारा होती है ये, और यहीं पर जो है एंटलीज की जलधारा जो है होती है यहाँ पर, और ऊपर से जो आती है वो लेब्राडोर की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, और आपकी गल्फ स्ट्रीम और ये फ्लोरिडा की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम यानी कि गर्म और ठंडी जलधारा मिलके यहाँ पर फ्लोरिडा के पास जो है फॉग का निर्माण करती है, जिससे मछली पालन के लिए ये जगह बहुत ही उपयोगी है। तो आप अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जलधारा यहाँ पर एक तरह से मछली पालन के लिए उपयोगी है, तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम या फिर फ्लोरिडा की जलधारा। तो यहाँ से आगे जाते हैं तो देखिए ग्रीनलैंड के यहाँ से जो है ठंडी जलधारा आती है, और ये आगे जाकर नॉर्थ अटलांटिक गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे जाके ये नॉर्वे की जलधारा जो है गर्म जलधारा के रूप में एक तरह से आती है। प्राकृतिक तो है लेकिन ये गर्म जलधारा, हल्का सा पानी यहाँ पर गर्म हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ इसका नाम होता है नॉर्वे की जलधारा। यहीं से जो वापस आ जाती है यहाँ पर जो है इरमिंजर नाम लिख लें आप, इरमिंजर की जलधारा होती है ये, और यहाँ से यहाँ तक कनारी की जलधारा होती है। कनारी की जलधारा आपको ध्यान में रखना है, ये ठंडी जलधारा है कनारी की जलधारा, और बाकी जो है वो गर्म जलधाराएं हैं। और यहीं पर जो है नीचे एक तरह से आती हैं बैक में यहाँ पर, तो ये एक जलधारा है जिसे रैलेज जलधारा कहते हैं, जैसे गिनी की जलधारा भी कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब देख लेते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। देखिए दक्षिण विषुवतीय जलधाराएं है ये प्राकृतिक है, गर्म जलधारा होती है ये, और ये ब्राजील की जलधारा जो है गर्म जलधारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राजील की जलधारा है ये,
और यहाँ पर जो है फॉकलैंड की जलधारा है, यहाँ पर जो फॉकलैंड की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, और ब्राजील और फॉकलैंड की जलधारा जब मिलती हैं तो यहाँ पर किनारे पर फॉक का निर्माण होता है, जिसमें मछली पालन के लिए ये जगह उपयोगी है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि ब्राजील की जलधारा, गर्म जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा से फॉग बनता है जिससे मछली निर्माण, मछली पालन होता है यहाँ पर, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, ये ठंडी जलधारा है ये वाला, एक तो ऐसे निकल जाती है और ये ऊपर की साइड मुड़ जाती है। यहाँ पर जो है बेंगुला की जलधारा के नाम से जानी जाती है, ये बेंगुला, बेंगुला की ठंडी जलधारा है, वाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, ठंडी जलधारा है ये बेंगुला की। और आपसे ये कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बेंगुला की जलधारा कहाँ बहती है, दीप पूछ लेंगे आपको, और हो सकता है ये डायरेक्टली पूछ ले बेंगुला की जलधारा कौन से महासागर में बहती है, तो आपको ध्यान में रखना है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है ठंडी जलधारा। और यहीं से ऊपर आके गिनी की जलधारा है यहाँ पर, और एक विपरीत विषुवतीय जलधारा है, विषुवत रेखीय जलधारा है होती है, जैसे कि ऐसे करके बह रही है नॉर्मल तो स्पीड, लेकिन इसी के नीचे जस्ट इधर की साइड से ऐसे बहती है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल दो तीन ही इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप जान लें बस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं महत्वपूर्ण, उनको ये अटलांटिक महासागर पूरा मैंने ये जोड़ दिया है दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पर जो है उत्तर विषुवतीय प्रशांत महासागर की धारा है, ये गर्म जल धारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपकी क्यूरोसिवो जल धारा है जो कि जापान है, ये जापान है, जापान के पूर्वी भाग में बहती है क्यूरोसिवो की जलधारा, और ऊपर से आती है आयोसिवो की जलधारा, आयोसिवो की जलधारा जिसे कुरिल की जलधारा भी कहते हैं। तो जब आयोसिवो और क्यूरोसिवो यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर जो है फॉग का निर्माण होता है, जैसा कि हमने अभी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में देखा, उसी प्रकार से यहाँ निर्माण होता है। तो ये भी एक तरह से क्वेश्चन बनता है, यहाँ यहाँ पर फॉग का निर्माण होता है जिससे मछली पालन यहाँ अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए ओकाष्टक जलधारा बहती है, ओकाष्टक ये जलधारा ठंडी जलधारा है, वैसे भी आपको पता होगा ओकाष्टक सबसे ठंडा क्षेत्र रहता है ये। और देखिए यहाँ पर जो गर्म जलधारा है अलास्का की, तो ये ध्यान में रखना है अलास्का की जो जलधारा जो है गर्म है, फिर आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ध्यान में रखना है, जबकि ये ऊपर है अलास्का की जलधारा लेकिन फिर भी यहाँ पर ये गर्म है, और नीचे कैलिफोर्निया की है ये ठंडी है। तो यहाँ से नीचे आके ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब देख लेते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर की जो जलधारा है उनके बारे में। देखिए यहाँ से जो बहती है दक्षिण प्रशांत महासागरी विषुवतीय जलधारा बहती है, जो कि गर्म जलधारा है, और ये क्या है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये क्या है गर्म जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा, यानी तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी जलधारा है, ये गर्म है। और यहीं पर जो है केविन की जलधारा है, केविन जो कि गर्म जलधारा है, आप लिख लें इसे केविन की जलधारा एक गर्म जलधारा है। फिर आगे जाके ये चलती जाती है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है पेरू है यहाँ पर, तो पेरू की साइड में जो जलधारा बहती है वो ठंडी जलधारा पेरू, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा भी बोला जाता है। और यहीं से लानीना और अलनीना का जो है निर्माण होता है, तो लानीना जो है गर्म जलधारा है थोड़ी सी पेरू की अपेक्षा, और अलनीनो जो है गर्म जलधारा, लानीना जो है ठंडी जलधारा है पेरू की अपेक्षा, तो ये पेरू की अपेक्षा जो भी दोनों जलधाराओं को मापा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब देख लेते हैं हिंद महासागर की जो जलधाराएं महत्वपूर्ण। देखिए हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो जलधाराएं हैं वो एक तरह से निश्चित नहीं है, सभी जलधाराएं है जो हैं एक तरह से गर्म और अपरिवर्तनशील हैं, और कुछ परिवर्तनशील हैं, और ठंडी भी जो हैं कुछ अपरिवर्तनशील हैं और कुछ परिवर्तनशील हैं, यानी कभी कभी यहाँ ठंडी जलधारा की जगह गर्म बहने लग जाती हैं, और गर्म की जगह ठंडी भी, और ऐसा आपको पता होगा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मानसून की स्थिति बनती है इस कारण से। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं, दक्षिण विषुवत रेखीय जो है वो तो गर्म होगी होगी आपको पता है, ये अगुलास की जलधारा जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक अगुलास की जलधारा जो है गर्म जलधारा है, जो कि मोजाम्बिक और अफ्रीका के मध्य में बहती है, देखिए ये रही अगुलास की जलधारा।
और आपकी मोजाम्बिक की जो जलधारा है वो भी गर्म जलधारा है, और आपको पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये ठंडी जलधारा है, तो इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही जितनी भी ये वाली जलधाराएं वो दक्षिण हिंद महासागर के अंतर्गत आएंगी, और इससे विषुवत रेखा से जो ऊपर होगा वो उत्तर हिंद महासागर होगा। तो इसमें जो है मानसून जो बनता है वो कहाँ बनता है, उत्तर हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में। तो ये इम्पोर्टेंट है एक पार्ट यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमारी जलधाराएं जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसमें आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जो फैक्चुअल कुछ आ सके जो आपको नहीं पता हो, मुझे लगता है सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं इसमें। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं अब तक जो कि मैंने मैप पर बनाए हैं, उनको देख लें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इस बार एग्ज़ाम में जो 2017 का प्री होने वाला है। और प्री ही नहीं, ये तो पीसीएस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि उसमें फैक्ट्री पूछ लेते हैं कौन सी गर्म जल आ रहा है और कौन सी ठंडी जल आ रहा है। और अदर एग्ज़ाम जो यूपीएससी के होते हैं, सीडीएस एनडीए कोई भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी का, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर वीडियो है, क्योंकि अक्सर कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिना मैप के समझ में नहीं आएंगे। तो इससे आपके दिमाग में एक छवि बन गई होगी कि किस प्रकार से धाराएं चलती हैं, कहाँ कहाँ हैं, और महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा महाद्वीप है, कौन सा ओशियन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसे आप डाउनलोड कर लें या। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको विश्व की जो जनजातियाँ हैं, जिन क्षेत्रों में रहती हैं, उनके बारे में बताऊँगा। ये आपके आईएएस के पेपर के लिए और पीसीएस के लिए भी उतनी ही लाभकारी होगी, लेकिन यूपीएससी के लिए ज़्यादा लाभकारी होगी। जो एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, चाहे वो ईपीएफ हो एग्ज़ाम हुआ, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए तो ये सबसे बेहतर है ही है। तो चलिए आइए मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ मैप पर, जिससे आपके दिमाग में थोड़ी छवि बन जाए और जिससे आपको याद रहे ये चीज़ें। ये शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ये क्षेत्र है पूरा कनाडा का, तो इस पूरे क्षेत्र में जो पाई जाती हैं दो जनजातियाँ हैं। एक पाई जाती हैं एस्किमो, नाम सुना होगा आपने एस्किमो, ये ग्रीनलैंड में भी एस्किमो पाई जाती है, और यहाँ भी इस क्षेत्र में भी एस्किमो पाई जाती है। और एक जनजाति और है यहाँ पर इनुइट, उसका नाम है इनुइट। आप इनको नोट कर लें, और आपके पास अगर बुक है तो बुक खोल लें, उससे थोड़ा सा आपको लोकेशन पता पड़ जाएगी। और देखिए इधर चलते हैं हम, देखिए यहाँ देखिए मोरक्को, मोरक्को है यहाँ पे, तो मोरक्को की साइड में यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है बर्बर जनजाति। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाएगी, बर्बर जनजाति एक तरह से उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है, तो आप जवाब देंगे बिल्कुल सही है ये। तो ऐसे करके आपको केवल क्षेत्र याद रखना है, बस जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, केवल क्षेत्र याद रखना है इसमें। देखिए पिग्मी जो जनजाति है वो आपकी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, यहाँ पर कांगो के आसपास। तो ये हो गया पश्चिमी अफ्रीका, आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा देश है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, पश्चिमी अफ्रीका एक तरह से पूछ लेगा। तो पश्चिमी अफ्रीका में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, और एक तरह से पूर्वी अफ्रीका में कौन सी पाई जाती है, ऐसे करके आ जाए। तो आपको जवाब देना है यहाँ पर एक मसाई है, जो खासकर चलिए देसी बता देते हैं क्योंकि पीसीएस में आ जाता है एक ऐसा, केन्या में है ये मसाई जनजाति, जो है केन्या की है। इस पर आपने डिस्कवरी में भी काफ़ी देखा होगा। और आपका एक है यहाँ पर महत्वपूर्ण, दक्षिण अफ्रीका में जो है बुशमैन, जो कि कालाहारी रेगिस्तान है वहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी है, बुशमैन। तो ये अफ्रीका की जो है चार महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जिनको मैंने लोकेशन बता दी, इसे आप अच्छे से देख लें। और आपको यहाँ पर जो है ग्वाटेमाला है, इधर बता देता हूँ मैं, एक ये मैक्सिको से नीचे ये मान के चलिए ग्वाटेमाला है। तो ग्वाटेमाला में जो पाई जाती है एक महत्वपूर्ण जनजाति है मायाज, जो मायाज संस्कृति एक तरह से आपने नाम सुना होगा मैक्सिको की माया संस्कृति, तो ये ग्वाटेमाले में मायाज करके जनजाति है, तो इससे आप याद में रख लें। और नॉर्थ अमेरिका में एक रेड इंडियन तो आपको पता ही है, अमेरिका के जो मुख्य निवासी हैं रेड इंडियन, वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है एक तरह से। तो ये हो गई तीन मुख्य जनजातियाँ, और चार आपकी अफ्रीका में हो गई मेन जनजातियाँ, इनकी लोकेशन बिल्कुल अच्छे से देख लें। देखिए जाप में, ये रहा जापान।
तो जापान में एक महत्वपूर्ण जनजाति है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए, एनु। लिख लीजिएगा आप, नोट कर लीजिएगा, एनु। तो एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। और आपकी नेपाल में है एक महत्वपूर्ण जनजाति, महत्वपूर्ण जनजाति जो नेपाल में है उसका नाम है शेर्पा। तो शेर्पा जनजाति नेपाल में है, ये ध्यान में रखना है आपको। और आपको टोडा जनजाति तो पता ही है आपकी, भारत में है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में टोडा जनजाति। और आपकी बेद्दा जो जनजाति है वो है आपकी श्रीलंका में। तो बेद्दा जनजाति कहाँ है? श्रीलंका में, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। और भारत को कई सारी पता ही होंगी, थारू महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो है थारू उत्तराखंड में पाई जाती है। और ओरान जनजाति है भारत में ही, ओरान, इसे ध्यान से सुन लें, ओरान जनजाति। और आपकी गोंड तो है ही है सबसे ज्यादा जो है। और आपकी बेद्दा जो जनजाति है ये इम्पोर्टेंट है, बेद्दा जनजाति जो है सऊदी अरब की है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। एक सुनी होगी आपने जूलू, तो जूलू जनजाति जो अफ्रीका में है, दक्षिण, बिल्कुल साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल सबसे दक्षिणी भाग में पाई जाती है ये जूलू जनजाति। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर मलेशिया है, देखिए ये चिन्ह जो लग रहा है यहाँ पर जो है मलेशिया, इस क्षेत्र ये वाला और थोड़ा सा इधर की साइड का, तो ये दो जो क्षेत्र हैं ये मिलके एक तरह से मलेशिया है दोनों। तो यहाँ पर जो पाई जाती है वो है आपकी समांग जनजाति, आपको याद कर लेना समांग। तो ये महत्वपूर्ण जनजाति है इस क्षेत्र की, समांग। और आपके देखिए मैं जो लोकेशन दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ के जो मूल निवासी एक तरह से निग्रिटो है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जनजातियाँ एक तरह से निग्रिटो के अंदर हैं, तो आपको बता देना है ये दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसकी जनजातियाँ निग्रिटो हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और देखिए इसी प्रकार से नीचे आएंगे थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया के, तो ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर, ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जनजाति है एक माओरी, ये इम्पोर्टेंट है माओरी, ये भी ध्यान में रखनी है आपको। एक जनजाति यहाँ वही है थोड़ी सी, ये तो नाम देश के नाम से, ये पापुआ, पापुआ गिनी जो कहते हैं ना वही है ये एक तरह से, तो उसका जनजाति का नाम है पापुआंस। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि, लेकिन इस क्षेत्र को और ये बाकी जो भी बताई हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उन्हें थोड़ा सा आप अच्छे से लोकेट कर लें अपने दिमाग में, जहाँ तक एक क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में। ये ज़्यादातर यूपीएससी के एग्जाम में लोकेशन पूछी जाती है, तो उससे रिलेटिव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और जिन्होंने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के, वो देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। और टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो देखते रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आपको थोड़ा सा स्थानांतरित जो कृषि होती है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उसको किस नाम से जाना जाता है पूरे मैप के द्वारा आपको बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में थोड़ी सी अच्छी छवि बनी रहे और आपको याद हो जाए ये चीज़ें। सबसे पहले मैं बता दूं स्थानांतरित जो कृषि होती है वो क्या होती है। ये क्या होता है, जैसे जंगल पड़ा हुआ है कहीं भी, और वहाँ के लोग क्या करते हैं उस जंगल को साफ करके एक सीजन में वहाँ पर कृषि कर लेते हैं, फिर दोबारा से वहाँ से किसी दूसरी जगह जगह चले जाते हैं, यानी स्थानांतरित हो जाते हैं, जब तक वहाँ पर फिर से जंगल उगाते हैं। और इस प्रकार से ये कृषि को एक तरह से क्षेत्र वाइज क्षेत्र परिवर्तित करते रहते हैं, तो इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि ये जला के जंगल को साफ करते हैं और काट कर जंगल को साफ करते हैं, इस वजह से इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं किस पर्टिकुलर क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले पहले बात करते हैं हम भारत की, तो भारत में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, जो राज्य हैं वहां पर, इसे आप जानते ही होंगे क्या कहते हैं, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है यहाँ, यानी इस कृषि को झूम कृषि कहते हैं यहाँ पर। और इसी से थोड़ा सा नीचे चलेंगे हम, तो यहाँ पर आपको वियतनाम मिलेगा, वियतनाम, तो वियतनाम में इसे रे कहते हैं, केवल रे 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 कृषि बोला जाता है। और उससे नीचे जो है इंडोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र आता है, ये आपका मलेशिया का क्षेत्र है और ये आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र है, तो इन दोनों में इसे लदांग कहा जाता है, लदांग आपको ध्यान में रखना है, लदांग।
अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर मध्य अफ्रीका में, यानी मध्य अफ्रीका का मतलब ये हो गया मध्य अफ्रीका, तो इसे यहाँ पर मसोला कहते हैं, मसोलो मसोले मसोले। मसोले कहते हैं मध्य अफ्रीका में। देखिए वेनेजुला में चलते हैं, वेनेजुला में इसे पर्टिकुलर यहाँ पर है, वेनेजुला समुद्र से लगा हुआ है एक तरह से, ये मान के चलिए यहाँ पर मान लीजिए वेनेजुला, तो यहाँ पर इसे कोनको कहते हैं, वेनेजुला में इसे कोनको कहते हैं। और मैक्सिको तथा जो उत्तरी अमेरिका जो है, यानी मध्य अमेरिका मान लीजिए, मध्य अमेरिका ये है पूरा क्षेत्र, जैसे उत्तरी अमेरिका तो ये हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है जो ये हो गया, ये मध्य अमेरिका है जिसमें मैक्सिको वगैरह आ जाता है, पर्टिकुलर इसमें जो है मैक्सिको को ही माना जाता है। तो यहाँ पर इसे मिल्पा कहते हैं, मिल्पा मिल्पा ये हो गया मध्य अमेरिका में मिल्पा। और ब्राजील में आपका कहते हैं रोका, तो ये कुछ स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रीय नाम है जिसे विभिन्न विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो मैंने आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है, इससे लगभग हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है ये मान के चलिए, तो आप इसे देख सकते हैं और थोड़ा समझ सकते हैं। और मैं आने वाले समय में ऐसे ही आपको मैप पर वीडियो बना के सिखाऊंगा, जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, चाहे वो एनवायरनमेंट से हो, किसी से, किसी भी पर्टिकुलर जीएस के पर्टिकुलर कोई भी पार्ट हो, उसको मैं आपको मैप पर ही बताऊंगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने से आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा और निरंतर वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और हम जो TNA शुरू किया था हमने, उसको स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन के अंदर, जिसमें डेली न्यूज एनालिसिस हुआ करेगी और जिसमें हम बेसिक की बात किया करेंगे, और 1-2 वीडियो आपके जीएस से रिलेटिव जो भी चीज़ें होंगी, जैसे ये है स्थानांतरित कृषि या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से रिलेटिव, कोई ना कोई 2 टॉपिक से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को रिकमेंड करें इसे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।